नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास का टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों बता दें कि जालियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर शहर में पड़ता है, 9 अप्रैल 1919 वहां के दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सार्वजनिक शांति सभा बुलाया गया था, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना चेतावनी के उस जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। और इसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और इसे एक तरह का नरसंहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।